हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जय माता दी। तो हम लोग अभी कटरा से जस्ट निकले। ये आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा, कटरा माँ वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन। तो आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप रुक जाओ एक मिनट। देखो गाइस, कटरा रेलवे स्टेशन है जो ये माँ वैष्णो देवी के नाम से बहुत फेमस है। तो हम लोग गाइस अभी एक कैब किए हैं, तो वहाँ से आप कैब भी कर सकते हो, बस में भी जा सकते हो, बहुत कम किराया है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कितना कहाँ पैसा लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और मैं आपको सारा रूट बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं पीयूष? उधमपुर से चिनानी। और अरे उसके बाद तो कटरा से कैसे आप लोग पटनीटॉप जाओगे उधमपुर से होते हुए? तो आपको मैं बताऊंगा पटनीटॉप में अभी बर्फबारी भी हो रही है क्या है नहीं, तो हम लोग जाके ही देखते हैं उधर, फिर आपको मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक जरूर देखिए। कहीं जब अगर आप कटरा से उधमपुर के लिए जा रहे हो तो आपको ऐसा ही व्यू मिलता रहेगा रास्ते में, और ये नदी भी आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। अगर आप बारिश के मौसम में आ रहे हो, नदी आपको पूरा भरा हुआ पूरा मिलेगा, आराम से आप इंजॉय भी कर सकते हो। रुक के थोड़ा बहुत नहाने का मन तो नहा भी लेना। तो ये मतलब वैष्णो देवी का वही पहाड़ है जिसपे आप चढ़ के जाते हो और दर्शन करते हो। बहुत जबरदस्त नजारा भी दिखेगा इसके अंदर, दोस्तों देख सकते हो। ये थोड़ी बहुत भैंस भी दिख जाएगी आपको, दूध पीना होगा तो पी सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है नजारा, ये वो जो आपको दिख रहा है वो नेशनल हाईवे कश्मीर टू पटनीटॉप ना, हाँ वहाँ का है ये सीन। उस पे हम लोग शायद अभी जाएंगे या क्या? नहीं, हाँ उस पे अभी जा रहे हैं। जम्मू टू कश्मीर का रास्ता, जम्मू टू कश्मीर का रास्ता है वो जो आपको दिख रहा है। वो नया ही बना है शायद, ये पहले से है वो? हाँ, कंस्ट्रक्शन उसको 4 लाइन का किया गया। और ये देखो लुक वाइज बहुत अच्छा है, तो आप आ सकते हो। आपको मैं रेट तो लास्ट में ही बताऊंगा वीडियो के, इसलिए बने रहना लास्ट तक। आप देखो ये नदी दिख रहा है, अभी पानी नहीं है, पानी भी आ जाएगा जब बरसात होगी तो यही भरेगा। ये देख रहे हो नीचे में काफी लोग रहते हैं, पर कैसे रहते होंगे पता नहीं। तो गाइज मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये जो रूट है, तो उसमें 3 रूट है आप वहाँ पटनीटॉप जाने के लिए। आप उधमपुर जो जाते हो, एक तो नेशनल हाईवे है और एक तो आपको ये रोड मिल जाएगा, बहुत शॉर्ट मिलेगा, नया बन अभी बन ही रहा है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। और एक तीसरा आपको मिलेगा टिकरी होके, और ये रास्ता मैं बता रहा हूँ शॉर्ट है और बंद कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। बट ये मैं बता, अगर वो जो भी लोग खाने के शौकीन है, जो खाने का शौकीन है मैं बता चुका हूँ, वो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लास्ट में वो बहुत सारा नीचे में रेस्टोरेंट वगैरह है, वो नॉनवेज वगैरह, क्योंकि आपको कटरा में तो कहीं नहीं मिलने वाला। तो आप इधर नॉनवेज वगैरह जो खाते हो या वाइन्स वगैरह आप लेते हो, बियर वगैरह, तो आप आराम से इधर आपको अवेलेबल हो जाएगा उसलिए। और कहीं पे भी रुक के आराम से आप पियो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैष्णो देवी आ रहे हो तो ऐसा मत करना गाइज। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको पुल है, ये जो उद्घाटन हुआ था उमर अब्दुल्ला जी ने किया था, ये आपको पता था मैं। यहाँ पे जो आपको ये रोड दिख रहा है, यहाँ पे प्लेन ही डायरेक्ट उतार रही है तो ओपनिंग करने के लिए। ये जो आपको पुल दिख रहा है उनकी, उसके ओपनिंग के लिए उन्होंने, उमर अब्दुल्ला जी ने डायरेक्ट प्लेन ही उतार दिया था इसके ऊपर। और ये आपको भाई मैं गलती एक चीज बोल दिया, हेलीकॉप्टर उतरा था जस्ट इसके ऊपर ही उतार दिया था, वो भी बिना हेलीपैड या कुछ भी किए हुए, डायरेक्ट उन्होंने उतार के और डायरेक्ट नीचे आके उन्होंने रिबन काटा था। और यहाँ पर देख रहे होगा आपको बहुत सा टूरिज्म दिख रहा होगा, ये होटल वगैरह जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आप खा पी जा सकते हो, चिकन नॉन वेज वगैरह सब है इसके अंदर। और पीने खाने का शौकीन है वो आगे भी आपको वाइन्स का शॉप भी मिल जाएगा, और यहाँ बहुत सारा रेस्टोरेंट है जो आपको मिल जाएगा खाने को। माँ वैष्णो देवी का जो यूनिवर्सिटी है आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो दूसरे रास्ते से है। ये वाइन शॉप आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे वाइन शॉप देखो आप, तो यहाँ से दो रास्ता था पीछे से, आप वहाँ से एक तो लेफ्ट साइड होगा, आप लेफ्ट साइड मत जाना, और ये राइट साइड आपको व्यू दिख रहा होगा। आपको दोस्तों दिख रहा होगा ये जो बिल्डिंग है, ये माँ वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है। और लोग, अब मैं बताया था पीछे में, जो वहाँ पे लड़का लड़कियाँ मस्ती करने उधर साइड जाते हैं, और ये नेशनल हाईवे है जो पहले 1 वे था, जो अब काफी चौला बन चुका है। और ये काफी अच्छा लोकेशन एक है जहाँ पे आप खा पी सकते हो आराम से, और ये काफी अच्छा दिख रहा है।
अगर आप बस में आते हो तो आपको वो रास्ता पड़ेगा डायरेक्ट, और यहाँ से फिर वही रास्ता डायरेक्ट आपको जा सकता है। ये देखो कुछ पार्टी पॉलिटिक्स का चल रहा है सिस्टम, यही बस है। बीच में आपको ये सब ढेर सारा खरीदने को मिल जाएगा, और बीच में बहुत सब को दिख रहा होगा। आप देख रहे होगे ये टू वे है और नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते, बस कुछ लोग पार्क भी करते, आप कर सकते हो, नॉर्मली भारत है, हर चीज होता है इधर। अभी हम लोग जो जा रहे हैं पुराना रास्ते से जा रहे हैं, और ये छोटा रास्ता है, बट वो जो आप हाईवे, अगर आप कैब वगैरह से या बस से जा रहे हो तो आपको सीधे वो रास्ता ले जाएगा, और ये पुराना रास्ता है तो थोड़ा छोटा तो होगा ही, और सामने में आपको जम्मू कश्मीर पुलिस की वैन वगैरह भी दिखती रहेगी, और बहुत सारा आर्मी का फोर्स का गाड़ी दिखता रहेगा। ये जो रास्ता गया हुआ है शहर की तरफ, उधमपुर शहर की तरफ जाता है रास्ता, छोटा रास्ता है, बट आप छोटी बस से भी जा सकते हो। हम आपके लिए बस वीडियो के लिए बनाने के लिए हम लोग दो रास्ता का यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग अपना कैब बुक कर चुके हैं, फिर भी आपके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये आपको साथ में मंदिर वगैरह भी थोड़ा दिख जाएगा, और ये छोटा सा नदी भी है, यहाँ पे भी नहा सकते हो। ये जो आपको दिख रहा है ये जो दीवाल सा दिख रहा है, ये आर्मी कैंट है, और ये देखो आर्मी का अपना वो घर वगैरह जो रेजिडेंशियल होता है, और ये काली माता का बहुत पुराना मंदिर है जो अंदर से है आर्मी के वो क्वार्टर के अंदर से, आप वहाँ पर जा सकते हो आर्मी से परमिशन लेके, और यहाँ आपको सब जगह सिक्योरिटी का बहुत जगह वो दिखेगा, बैरियर दिखेगा आपको फ्रंट। आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं होता, आप किधर भी सामान रख सकते हो, पर अपना सामान का ध्यान तो खुद रखना होगा, और यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर देखो गुरुद्वारा वगैरह भी दिख रहा है, और ये एक रास्ता आपको यूज नहीं करना, इस रास्ते से जाना है आपको नॉर्मली, और यहाँ पर आपको उधमपुर मार्केट दिख रहा है। ये मार्केट से होते हुए गुजर रहे हैं हम लोग, छोटा मार्केट है पर आगे बहुत बड़ा मार्केट आपको देखने को मिलेगा। ये आर्मी का बेस कैंप वगैरह जो आर्मी का ऑफिस को है, और उसके अंदर क्वार्टर्स भी बहुत सारे हैं। अभी एक बहुत जबरदस्त एक निकला है, मतलब माता अभी कंस्ट्रक्शन का काम आपको दिख रहा होगा चल रहा है, तो वहां पे माता का एक मंदिर है, आपको मैं वहां पे भी दर्शन कराऊंगा, जो ऑटोमेटिक वो जो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहीं पे आपको माता का मंदिर मैं दिखाऊंगा, जो अपने आप खुद ही निकली है, और मात्र 10 दिन पहले ऐसा हुआ है, तो आपको मैं उसका दर्शन भी कराऊंगा आज। गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा अभी तक कहीं पे भी YouTube या कहीं पे भी नहीं है, जो ये मंदिर को आपको कोई दिखाएगा दर्शन कराएगा वहां वो मंदिर है, तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, और व्यू देख लो। अभी हम लोग पटनी टॉप के लिए अभी रास्ते में ही है, अभी ये बहुत दूर है, अभी भी आपको पूरा वीडियो बने रहना, और ये पूरा व्यू आपको लोकेशन दिखाऊंगा हर चीज। आप उधमपुर के रास्ते से जब आओगे और पटनी टॉप आपको वहाँ कुछ दिख रहा है दूर से, तो वही वहाँ तो उससे हल्का पहले आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आप ये एक शिव भगवान का शिव जी का मंदिर प्राचीन एकदम सा अपने आप खुदाई के कारण ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत तेज गति में, तो ऑटोमेटिकली आपको गुफा निकला, और ये गुफा में हम लोग अभी दर्शन करके आए हैं, तो आप भी आ सकते हो, ये बहुत प्राचीन गुफा है, और अभी तक कोई भी यूट्यूबर अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया इसके बारे में जो क्या है नहीं है गुफा, पर हम आप पहली बार ऐसा हो रहा है जो हम डाल रहे हैं आपको, और आपको बता रहे हैं, मैं बताया ना आपको कुछ ना कुछ मैं खास जरूर दिखाऊंगा, वो सामने पटनी टॉप का रास्ता है, और वो बर्फ आगे मैं पूरा आपको व्यू दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहना। और इसका जो मेन लोकेशन है अभी चिनानी बाईपास रोड है, जो उधमपुर के रास्ते से ही आता है, तो वहां से आप आ सकते हो, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे भोले बाबा का ऑटोमेटिकली प्राचीन गुफा है, बहुत ही जबरदस्त है।
तो आप आके दर्शन कर सकते हो। अभी तो नॉर्मल टेंट वेंट लगा के किया गया है, बट अंदर में सच में प्राचीन गुफा लग रहा है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं अंदर में देखने के बाद। गाइस मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर इधर जा रहे हो पट्टी टॉप, तो यहाँ से पट्टी टॉप मात्र 7 किलोमीटर है फ्रेंड। और मैं बताना चाहता हूँ जब ये बर्फबारी इधर होता है तो ये पूरा पहाड़ आपको बर्फ से लदा हुआ मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ अगर आप अपने गाड़ी से जैसे जा रहे हो तो आप एक ड्राइवर अच्छा सा रख के जाओ, क्योंकि फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो ये रास्ता बहुत ही डरावना सा रास्ता है, क्योंकि ये एकदम सा पहाड़ चढ़ाई सा है। और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप कभी भी ये गलती मत करना उतर के फ़ोटो वगैरह जो लेने का मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कार वगैरह का एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेगा और एकदम सा खाई है। तो प्लीज़ फ्रेंड इधर मत जाना अपनी कार लेकर, अगर जा भी रहे हो तो बहुत अच्छे ड्राइवर के साथ जाओ। और मैं सजेस्ट करूँगा आप कैब यहाँ से बुक कर सकते हो आराम से। गाइज हम लोग पैकनी टॉप में अभी उतर चुके हैं, रूम भी ले चुके हैं, मैं रूम भी दिखाऊंगा। तो मैं अभी हम लोग खाना का ऑर्डर किए हैं, आप आराम से वेज खाना खा सकते हो, नॉनवेज भी इधर मिल जाएगा, पर आप पेशेंट पे भी जा रहे हो तो नॉनवेज ना ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्याज वाज भी आपको सब अवेलेबल मिलेगा, अभी रोटी वोटी हम लोग और भी चीज़ इसके अंदर आने वाला है। तो हम लोग पैकनी टॉप में रूम ले चुके हैं, तो हम लोग आपको मैं दिखाया जो नाश्ता वगैरह अभी खाना खा लिया हमने, और ये ऐसे पेड़ आपको दिखेगा। और बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, नज़ारा आप देख रहे हो। और मैं आपको और भी ऊपर ले जाऊँगा और आपको मैं दिखाऊँगा हमारा कैसे क्या है जो भी। तो आप वीडियो को बने रहने लास्ट तक। तो आप देख रहे हो कि बहुत अच्छी वादियां हैं, तो शाम के समय हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप इधर आगे जाओगे तो ये नाग टेंपल है, यहाँ से अप्रोक्स 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा, ये हमारा फ्रेंड जा भी रहा है तो आप आ सकते हो। ये पेड़ वेड़ आपको काफ़ी अच्छा लुक देगा। और मैं बताना चाहता हूँ आप शाम को आओ, बट अब लाइट जो है ये सब आप बस दिखने के लिए है, जलने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये आ सकते हो, कितना अच्छा लुक है, तो ज़रूर आओ अभी जगह पर और इन्जॉय करो इस जगह को। नाग टेंपल आ चुके हैं तो आपको मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में। ये थोड़ा शाम हो गया, शाम क्या रात ही को 8:30 बजने जा रहा है। तो गाइस हम लोग नाग टेंपल के तरफ जा रहे हैं, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, आप देखो। तो आपके बीच में बहुत सारा दुकान है तो आप देख सकते हो और ले भी सकते हो। तो ये नाग टेंपल का है, ये दिख रहा है आपको ऊपर से। ये गाइस हम लोग टेंपल के मंदिर तरफ आ गए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये यहाँ पे दुकान सब भी काफ़ी दुकान है और यहाँ ये मंदिर है, थोड़ा दर्शन कर लो आप। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, माता। फ्रेंड हम लोग नाग बाबा का दर्शन करके आ चुके हैं, और आपको दिख रहा होगा पीछे में पूरा खाली रास्ता है। अभी तो अभी लाइट है उसके कारण हम अपना फोटो दिखा रहे हैं, अपना वीडियो अपने फेस दिखा पा रहे हैं, तो हम लोग को रियल में थोड़ा डर तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे माना गया है तो चीता उता थोड़ा है, तो शेर भी है। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये पूरा बैरिकेडिंग घेरा हुआ है। तो गाइज आप ये आप होटल रेस्टोरेंट वगैरह है तो, बट कोविड के कारण मैक्सिमम आपको बंद दिखेगा, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। और मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो आपको 2-3 चीज़ नया दिखाया हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बनने रहना और कल मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग अभी नाग बाबा से मंदिर से दर्शन तो कर लिए, और अभी पीछे आपको दिख रहा होगा पूरा नीचे शहर है, और बहुत ऊपर हम लोग आ चुके हैं और उसमें भी पैदल चल रहे हैं हम लोग। तो पीयूष मतलब अब बताओ ये अंधेरा है और कैसे क्या कैसा फील लग रहा है, क्योंकि हमारा पिक्चर भी नहीं आ पा रहा ढंग से। चलिए बता दो अपने फ्रंट कैमरा ऑन किया। हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने एक्चुअली लेट की थी चढ़ाई यहाँ पे नाग बाबा के दर्शन के लिए। आप लोग पहले कर लेना, और टैक्सी का फेयर और बाकी सब आपको हम बताते रहेंगे वीडियो के बीच में। जैसे अगर आपको पेंटॉप से क्या नाम था जगह का, नाथ बाबा वहाँ बहुत प्राचीन कम से कम माना गया है, ऐसा माना जाता है बहुत प्राचीन मंदिर है जो नाग बाबा का आपको आगे मिलेगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं वो लोग।
और मैं बताना चाहता हूँ उसमें आप 150 साल, कोई तो वादा कर रहा है 150 साल पुराना है, कोई तो बोल रहा है 1800 बहुत पहले, मतलब हमें तो अभी पूरा याद भी नहीं है ढंग से क्योंकि बहुत सारा चीज बता दी बाबा ने। और मैं बताना चाहता हूँ बहुत अच्छा, मैं वीडियो के बीच में आपको देखने को मिलेगा इसके बाद। गाइस हम लोग नया ये जो होटल में रुके हैं हम लोग पानी टॉप में, पानी टॉप में वो बहुत जबरदस्त है, आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हो काफी सस्ते में मैं आपको बताऊंगा बस, बट वीडियो के लास्ट में मैं हर चीज बताऊंगा एक्यूरेट जो कितना क्या प्राइस पड़ेगा। आपके अगल बगल आपके इधर जो होटल के बहुत सारे होटल मिल जाएंगे बट वो सब थोड़ा एक्सपेंसिव होगा गाइस, तो आप यहाँ पे आराम से, हम लोग रात में 1 बजे अप्रोक्स हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए उठ के। और मैं बताना चाहता हूँ इसका मैं आपको रूम का व्यू भी दिखाऊंगा जो बहुत ही सच में जबरदस्त है। तो गाइज हम लोग अभी मथर टॉप के लिए निकल चुके हैं, हम लोग अभी कैब भी बुक कर चुके हैं, आपको देख रहा होगा रास्ते में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में। और यहां से कहां से था हम लोग का पटनी टॉप से हम लोग निकल चुके हैं, कैब बुक कर सकते हो वहाँ पे। ये भैया हमारे यहाँ जो कैब चला रहे हैं, तो उनका हाय बोल दो भैया। हाँ तो फिर हम लोग देखो व्यू वगैरह काफी अच्छा है, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे रास्ते में आपको जाना है। नॉर्मली आप कैब बुक करो, वहाँ पर कैब का वो बुकिंग वाला होगा, वहां से आप कर सकते हो, आपको जनरल रेट मिल जाएगा। और आगे जाके जाते हैं और दिखाता हूँ मैं कैसे क्या है सिस्टम। गाइज ये आपको जो दिख रहा है ये घर बिल्डिंग जो है ये प्रसार भारती है, जो आप नेशनल टीवी न्यूज वगैरह या जो भी आता है इसके अंदर, तो यही उसका है, ऑल ओवर इंडिया का मेन है ये ऑफिस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और पीछे व्यू वगैरह काफी अच्छा दिख रहा है। तो गाइज आप देख रहे हो हम लोग बर्फ में बहुत मजे कर रहे हैं, और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। और वो वहाँ पे वो लेक दिख रहा है, तो आपको गाइज बोलेगा 200, 2000, 3000, तो वहाँ जाने का मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा फायदा, पर आपको जाने का मन जा सकते हो। और पूरे बर्फबारी में हम लोग मजा ले रहे हैं, बट अब बर्फ नटा टॉप है और ये अब बर्फ गलने वाला है, गल ही चुका है मोस्टली, तो आप जल्दी जल्दी आओ और आराम से इंजॉय लो बर्फ का। तो हम लोग अभी घूम लिए ये बर्फ का पूरा पहाड़ वहाड़ जो आपको दिख रहा है, तो ठीक ही है, बट अब मैं बोलूंगा जितना जल्दी हो उतना जल्दी आ जाओ। नॉर्मली जनवरी दिसंबर में आओ, या दिसंबर जनवरी फरवरी में भी आ जाओ, इस टाइम में भी है, बट आपको पूरा भरा हुआ अगर आपको चाहिए तो आप जनवरी दिसंबर में आना। गाइज मैं बताना चाहता हूँ अगर आपको पटनी टॉप जाने में फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा, अगर इस वीडियो को देखे हो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड, मैं आपको कमेंट का पर्सनली आंसर दूंगा। और मैं बताना चाहता हूँ आपको पटनी टॉप में अगर बेस्ट होटल लेना है, और इस वीडियो में आपको एक होटल भी मैं दिखाया जिसमें हम लोग भी रुके थे, तो फ्रेंड आप उसमें लोगे मात्र 500 से 700 रुपये में होटल हो जाएगा बुक, बट उसके लिए आपको इस चैनल का नाम बताना होगा उस होटल वाले को। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में एक नंबर भी दे दूंगा, वहां पर आप कमेंट करना, अगर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, अगला मैं वीडियो आपको इससे भी बेस्ट लाके दूंगा फ्रेंड।